हेलो टू वाटफुल। तो गाइस यार आज हम ड्राइंग करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो जगन्नाथ देव एंड यहाँ पर श्री चैतन्य देव जो है ये वाला इमेज को ही करने वाले हैं ड्राइंग। एंड यहाँ पर हम पूरा रियल टाइम को ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर मैं किस किस टूल का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि स्केल हो गया, दो यहाँ पर पेंसिल हो गया, कुछ रबर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ यही सारे टूल्स मैं यूज करूंगा। एंड गाइस यार ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ना, ये ट्रिक एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। आप जस्ट कुछ मिनटों में ही ये ड्राइंग को करने वाले हो एंड सिंपली मैं भी करने वाला हूँ, देखना ठीक है कितना जल्दी ही ये जो ट्रिक है, ये जो ड्राइंग है, इस ट्रिक में लगाने के बाद ये जो ड्राइंग है ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखो मैंने एक स्केल लिया एंड ये जो पेज है ये A4 साइज का पेज है। तो इधर यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो एक स्केल को मैंने ऊपर का साइड में बैठा लिया है एंड सिंपली 2 सेमी छोड़ छोड़ कर डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ पर मार्क करूँगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एंड गाइस ये जो ट्रिक है ये आप जल्दबाजी में काम कर सकते हो, ठीक है, ये ट्रिक से। एंड किसी छोटे आर्टवर्क को बड़ा करने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। यहाँ पर हमें एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग चाहिए था एंड बहुत जल्दी भी चाहिए था, तो सिंपली इस ट्रिक को हम अप्लाएंगे। एंड यहाँ पर देखो कि इस साइड में हम जो है 2 सेमी छोड़ छोड़ कर यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि 12 हो गया, यहाँ पर 14, यहाँ पर हो गया 16, 18, 20, 22, 24, यहाँ पर 24, 26 एंड यहाँ पर 28। एंड सेम इस साइड पे भी हम कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। एंड गाइस मेरे साथ साथ भी आप लोग ड्राइंग करो, क्योंकि जब एकदम रियल टाइम मैं दिखाने वाला हूँ तो मैं भी धीरे धीरे करूँगा एंड आप भी करना, तो सिंपली मेरे साथ साथ आपका भी ड्राइंग हो जाएगा। एंड यहाँ पर कल ही जो जगन्नाथ देव का जो जात जगन्नाथ देव घर से बाहर निकलेंगे एंड तो यहाँ पर हमको ड्राइंग को कर लेंगे, तो हमारा भी ड्राइंग हो जाएगा इसी खुशी में। तो सिंपली देखो पूरा चारों साइड को मैंने मार्क कर लिया है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो पॉइंट हमने किया था उसको यहाँ पर हम सिंपली इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन के मदद से। तो कुछ इस लाइन को मदद से हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इस तरीके से एक एक पॉइंट को लेंगे एंड सिंप्लीफाई करते हुए इस तरीके से एक लाइन को ड्राइंग को कर देंगे, इस तरीके से लाइन को खींच देंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो लाइन्स है उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, लाइन्स को जब खींचोगे तब ज़्यादा यहाँ पर पेंसिल से प्रेशर नहीं लगाना है। एंड गाइस यार ये जो पेज है ना ये सिंपल पेज है, ये जेरोक्स पेपर है एंड पतला पेपर है, बट कोई नहीं, यहाँ पर हम ड्राइंग को करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं भाई लोग बहुत महंगा पेपर में ड्राइंग करते हैं तो अच्छा होगा, बट कोई नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चीफ पेपर है 1 रुपये में एक मिल जाता है, तो इससे भी ड्राइंग करके देखेंगे कि क्या ही होता है। एंड अभी ये जो ऊपर का लाइन्स है ये तो हो चुका है एंड यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स भी हम किए थे, तो सिंपली यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से लाइन को खींच देंगे एक एक करके। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये एक एक बॉक्स में बदल जाएगा एंड ये जो बॉक्सेस है ये ग्रिड बॉक्सेस है एंड ये जो मैथड है इस मैथड को बोलते हैं ग्रिड मैथड, ठीक है ना। एंड ये मैथड में बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, यहाँ पर सोचने वाली जो समय है वो नहीं लगता सोचने का, सिंपली क्या ट्रिक को अप्लाई करता क्या ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ आप लोग देखना एंड कितना जल्दी यहाँ पर ड्राइंग को हो जाएगा ये भी देखना। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको करना है, सो सिंपली मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से
एंड जितना अच्छा यहाँ पर ये ग्रिड बॉक्सेस ग्रिड लाइंस बनेगा उतना ही अच्छा ड्राइंग भी बनेगा। तो सिंपल ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको धीरे धीरे करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे एंड अच्छे से करता हूँ, लास्ट में थोड़ा एक लाइंस रहेगा तो उसको भी कर लेते हैं एक। एंड यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया दो। तो गाइस इधर यहाँ पर देखो, एकदम पास से मैं दिखा रहा हूँ, एकदम पास से देखो, ये देखो ग्रिड लाइंस एकदम हल्का हल्का दिख रहा है, ज़्यादा डीप डीपली मैं नहीं करा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देखो अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस है, ये जो बॉक्सेस है, इस बॉक्सेस में 1, 2, 3 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो कुछ इस तरीके से। एंड इस साइड में भी हम कर लेंगे। तो कैमरा को थोड़ा एंगल चेंज करते हैं एंड अभी देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and 13 and 14 and 15 तो यहाँ पर हो गया 15 बॉक्सेस, यहाँ पर देखो 15 बॉक्सेस एंड ऊपर हो गया 11 बॉक्सेस। तो यहाँ पर 2 सेमी छोटे छोटे हमने A4 साइज पेपर में किया था, तो इसीलिए ये हुआ है। एंड गाइस अभी ड्राइंग को कैसे स्टार्ट करना है, कभी इस तरीके से स्टार्ट करना है अभी ड्राइंग को, ठीक है ना। तो सिंपली देखो ये रेफरेंस फोटो है ना, इस रेफरेंस फोटो को मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर देखो इस सेम चीज़ को हमने ग्रिड में कन्वर्ट कर चुका है। एंड ये जो ग्रिड यहाँ पर दिख रहा है, ये ग्रिड हमने पहले ही जो है पेपर में किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर ड्राइंग करने में बहुत आसानी हो जाएगा। एंड ये जो रेफरेंस फोटो है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करके ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गाइस यार यहाँ पर देखो जैसे कि ड्राइंग का शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। सो ये जो देखो यहाँ पर मान लो हम इस आँख से शुरू करेंगे, ये वाला प्रभु का आँख से शुरू करेंगे, तो ये आँख देखना है जैसे कि 6 नंबर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 नंबर 6 1 6 2 तो 2 नंबर बॉक्स से यहाँ का ये वाला आउटलाइन का शुरुआत है। सिंपली यहाँ पर भी देखना है जैसे कि 6 6 1 6 2 तो सिंपली यहाँ पर भी देखो तो कुछ ऐसा है। एंड बहुत ही इजी वेस्ट प्रोसेस है। यहाँ पर लाइन का कहाँ से ये वाला पोर्शन जा रहा है, इस लाइन में ये लाइन कहाँ से जा रहा है, उसको देख कर ही सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर करना है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, कभी जल्दबाजी होगा, कभी कुछ आपका छोटा आर्टवर्क को बड़ा करने में एंड किसी भी आर्टवर्क को एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाने में बहुत मदद करेगा। एंड यहाँ पर इस जो फोटो है इसको डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड आप लोग भी ड्राइंग करो, ठीक है, एक साथ ड्राइंग करते हैं। सो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमने आँख को कर लिया। एंड गाइस यहाँ पर बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा ड्राइंग बट जल्दबाजी नहीं करना है, बात यह है। तो कुछ इस तरीके से एंड ऊपर भी एक गोलाकार है। तो यहाँ पर देखो ये आँख जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर बेसिकली ये ध्यान रखना है कि किस बॉक्स में कौन सा पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करते हुए सिंपल तरीके से ड्राइंग को करना है, और कुछ बड़ी बात नहीं है।
plane crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. कितना जल्दी देखो ये पार्ट हो चुका है, एकदम एक्यूरेसी के साथ हो रहा है पहले से ही। अनगेजर जय जगन्नाथ एक बार लिख दो कमेंट में, जय जगन्नाथ। एंड यहाँ पर ये जो फेस का पार्ट है, जो मुंह का पार्ट है, इसको हम कर रहे हैं। Oh, my God.
someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praise. Something's never changed, never changed. Oh, redemption of the pain. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
यहाँ पर देखो नाक, इस तरीके से है, यहाँ से करंट चलाया है बिजली, अभी नीचे का जो पोर्शन है उसको करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हाथ है, तो उंगली का जो पोर्शन है उसको भी कर लेते हैं। Savannah, I'm coming home.
थोड़ा सा गलती है। अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो अभी नीचे का पोर्शन को कर लेते हैं। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पे यहाँ से ठीक करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है,
सो गाइस यहाँ पर थोड़ा माला एंड बहुत सारा गहना वगैरह है। तो उसको सिंपली यहाँ पर आराम आराम से कर देना है। यहाँ पर देखो जो आउटलाइन है वो तो हो चुका है एंड जो ग्रिड लाइंस वगैरह है वो मैं इरेज कर दूंगा। एंड गाइस यार अभी इतना ही ठीक है एंड ग्रिड लाइंस वगैरह इरेज कर दूंगा एंड थोड़ा सा और भी डिटेल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पर और भी फोल्ड वगैरह है यहाँ पर क्लॉथ्स का और भी कुछ काम है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो आउटलाइन, तो कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से। एंड गाइस यार बाकी बाय बाय एंड गाइस यार अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस यार एक शेयर कर देना जरूर।